रूस और यूक्रेन के जंग का आज 112वां दिन है। रूस ने यूक्रेन के विनिसिया शहर पर मिसाइल अटैक किया, इसमें 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य आधारित अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध जताया। कैप्टन ने कहा कि यह राष्ट्र स्तर पर ही होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। कैप्टन ने कहा कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जे से गंभीर सामाजिक और राजनीतिक ही नहीं बल्कि बुरे तकनीकी और कानूनी प्रभाव भी हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मणिपुर में तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ज्वाइन करने वाले जेडीयू विधायकों में KS जयकिशन, एन सनाते, मोहम्मद अच्छबुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक AM खाउटे और थांग जाम अरुण कुमार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस MR शाह की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, यह नीति निर्णय के दायरे में आता है, इसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है, हम संसद को इसके लिए निर्देश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 दिनों में ही 1293 केस का निपटारा किया, इनमें 440 ट्रांसफर केस हैं। बीते 2 दिनों में 106 रेगुलर केसों को निपटाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया EU ललित ने यह जानकारी दी। वे बार काउंसिलिंग की ओर से अपने सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में बोल रहे थे। ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री नौरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने पहली बार पूछताछ की। उनसे 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए गए। इसमें सुकेश से अपने गिफ्ट कब लिए, आप उनसे कहां मिली जैसे सवाल थे। सूत्रों के मुताबिक पूरी पूछताछ में नौरा ने सहयोग किया। इस केस में ED एक्ट्रेस से 3 बार पूछताछ कर चुकी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 7000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 7219 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं 9651 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। इस दौरान 33 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 60,95,00,000 हो गए हैं। इस महामारी में अब तक कुल 64,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.58 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सिंगापुर एयरलाइंस से अपने देश लौट आए हैं। 73 साल के राजपक्षे करीब 7 हफ्ते बाद बैंकॉक से सिंगापुर होते हुए श्रीलंका लौटे हैं। कोलंबो बंदर नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक उन्हें भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। एशिया कप 2022 के सुपर 4 में भाग लेने वाली टीमों का फैसला हो गया है। भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों ने सुपर 4 में जगह बनाई है। सुपर 4 में कुल 6 मैच होंगी और टॉप 2 पर समाप्त करने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई में ब्लॉकबस्टर मुकाबला होना है।